नमस्कार दोस्तों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो पूर्ण रूप से मधुमक्खी पालन सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल सीड्स, जिसको फाउंडेशन सीड बोलते हैं, वो मधुमक्खियों को किस प्रकार से देनी होती है। दोस्तों, जिस प्रकार से आप सब जानते होंगे कि मधुमक्खियों के अंदर 10 फ्रेम होते हैं, यानी 10 छत्ते होते हैं, जिनको हम आर्टिफिशियल रूप से मधुमक्खियों को देते हैं, और इसको किस तरीके से हमें अरेंज करना होता है और किस तरीके की हमें इसमें टूल्स और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मधुमक्खियाँ जो है नेचुरली, अगर हम जंगल में देखें या नेचुरल वातावरण में अगर कोई मधुमक्खी छत्ता बनाती है तो उसको आप अपने हिसाब से हैंडल नहीं कर पाते, उसको आप छत्ते से बाहर निकाल करके उसको देख नहीं सकते, उसमें अंडे रानी मक्खी दे रही है नहीं दे रही है, उसमें मधुमक्खियों की वर्किंग कैसी है, वो ठीक है या नहीं है, इन सारी गतिविधियों को देखने के लिए साथियों आपको ऐसे छत्ते की ज़रूरत होती है जो कि आप उसको हैंडल कर सकें, उसको बाहर निकाल करके देख सकें। इसके साथ ही आपको जब शहद निकालना होता है तो उसमें भी आप सब देख सकें कि शहद उसमें आया है या नहीं है, पोलन उसमें इकट्ठा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उन सारी एक्टिविटी के लिए आपको ऐसे रिमूवेबल फ्रेम्स ही होते हैं जो आप बाहर निकाल सकें और उसको अच्छी प्रकार से आप विजिट कर सकें और दोबारा से फिर उसको सेट कर सकें। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि शुरू में मधुमक्खियाँ जो हैं अगर उनका शहद निकाल लेते थे तो उनको अपना घर छोड़ना पड़ता था, क्योंकि हम उनके छत्तों को नष्ट कर देते थे। तो साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको किस तरीके से आर्टिफिशियल सीड्स देनी है और आपको किस तरह के टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। तो साथियों, जैसे मेरे हाथ में आप दो फ्रेम्स देख रहे हो, एक ये खाली फ्रेम है जिसमें कोई सीट अभी लगी हुई नहीं है, और एक ये मेरे हाथ में दूसरा फ्रेम है जिसमें फाउंडेशन सीट लगी हुई है। और इसको कैसे अरेंज करते हैं और किस तरीके का काम इसमें करना पड़ता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक हमारे पास एक फ्रेम होता है जो कि लकड़ी का बना होता है, और ये दोनों साइड में हैंडल लगा होता है जिसको हम पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये जो साइड में इसके ये जो लकड़ी लगी हुई है ये इतनी चौड़ी होती है कि आपस में गैप को मेंटेन करती है, और नीचे चारों तरफ से ये पतला होता है कुछ, और इसको इस हिसाब से डिजाइन किया होता है कि जब इसमें मधुमक्खियां छत्ता लगाएं और शहद बनाएं तो ये आसानी से रिमूव किया जा सके। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हो फ्रेम को, इसमें चार छेद किए हुए हैं दोनों तरफ, 1, 2, 3, 4, तो दोनों तरफ इसमें चार चार छेद किए हुए हैं। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए मिस्त्री की ज़रूरत पड़ती है, मिस्त्री जब आप इसमें बना देता है और छेद कर देता है और आपके पास ये पहुँच जाता है, तो इसके अंदर एक ये स्टील की तार लगी हुई है जो कि बहुत पतली होती है, और इसको छेद में से डाल करके इसको खींच करके, और साइड में एक कील लगी होती है उसके साथ हम इसको स्ट्रेच कर देते हैं, खींच देते हैं, ताकि ये छत्ता जो है मजबूत हो जाए और ये टूटे ना। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहला काम यही करना होता है कि आप छत्ते को तैयार करने से पहले इसमें एक तार फिट करेंगे, क्योंकि तार जो है आपके छत्ते को और ज़्यादा मजबूती दे। तो दोस्तों, तार लगाने के बाद आपको छत्ता किस तरीके से तैयार करना होता है। एक हमारे पास ये रेडीमेड सीट है जो कि बाजार में मिल जाती है आपको
पर केजी के हिसाब से भी मिलती है और पैकेट के हिसाब से भी मिलती है। तो इसको बोलते हैं फाउंडेशन शीट। बहुत सारे लोग इसका काम करते हैं जो कि खाली फाउंडेशन शीट बनाने का भी काम कर सकते हैं। तो ये जो मोम होता है उसको एक खास सांचे के अंदर डाल करके इसकी जो फाउंडेशन शीट है वो भी तैयार की जाती है। तो साथियों इसमें देखोगे ये चार तारें इसमें लगी हुई हैं, तो चार तारों के बीच में क्रॉस करके इसको अच्छी तरह से इसमें फिट कर दिया जाता है। और दोस्तों ये जो फ्रेम है इसमें जो ऊपर वाली जो स्थिति होती है इसमें एक निशान बनाया होता है, एक इसमें दरार निकाली होती है जिसके अंदर हम इसको फिट कर देते हैं इस शीट को। और फिट करने के बाद दोस्तों एक मोमबत्ती लेकर के या मोम जो कि आपने मधुमक्खियों से ही लिया हो उसको पिघला करके इस किनारे के ऊपर डालना होता है। आप देखोगे इसमें किस तरीके से मोम साइड में लगा हुआ है, इसको मोम लगा करके और अच्छे तरीके से आप इसको ब्लॉक कर देते हो ताकि आप जब इसको उठाओ, जब तक मधुमक्खियों ने इसमें काम नहीं किया है तब तक ये आपके फ्रेम के साथ चिपका रहे और जो सीट है वो अच्छी तरीके से इसमें रुक जाए। और इसके बाद यही सीट जो है हम मधुमक्खियों में देते हैं और इसके अंदर आप देखोगे तो जिस तरीके से हम मकान की नींव बनाते हैं तो इसमें जो उनके सेल्स होते हैं उसकी नींव तैयार होती है, एक स्ट्रक्चर तैयार किया होता है जिसमें बेस बना होता है, उसी बेस के ऊपर मधुमक्खियाँ जो हैं अपना जो छत्ता है वो निर्मित करती हैं। और छत्ता धीरे 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 एक से दो दिन अगर सीजन अच्छा है तो दो तीन दिन में ये छत्ता पूरी रूप से तैयार कर लेती हैं और उसमें डेप्थ हो जाती है। इसमें तो साथियों देखोगे तो दोनों तरफ इसमें सेल बनाने की जो डिजाइन है वो बना होता है, इस तरफ भी बना होता है और इस तरफ भी बना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इधर से भी वो डेप्थ इसमें क्रिएट कर लेती हैं और इस हिस्से से भी डेप्थ क्रिएट कर लेती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम नई फाउंडेशन शीट्स लगा सकते हैं। और इसके अंदर जो तार लगाने का जो मेन मकसद है कि जब आप मशीन के अंदर इसको घुमाओगे शहद निकालने के लिए तो आपके जो छत्ते हैं तार की सपोर्ट से वो टूटेंगे नहीं, और छत्ते नहीं टूटेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होगी और मधुमक्खियों ने जो काम करना होता है जब छत्ते टूट जाते हैं तो उतना ही एफर्ट मधुमक्खियों को और करना होता है जिसमें टाइम वेस्टेज होती है। जितनी देर में मधुमक्खियां छत्ता बनाती हैं उतनी ही देर में मधुमक्खियां बाहर से आपके लिए शहद और पोलन इकट्ठा करती हैं और अपनी कॉलोनी को ग्रो करती हैं। तो इस तरीके से आप सब लंबे समय के लिए अगर आप सब मधुमक्खी पालन में स्टेबल रहना चाहते हो तो आपको फाउंडेशन शीट लगानी आनी चाहिए और आप अपने आप इसको अरेंज कर सकते हैं। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। एक दो बार आप सब करोगे खुद तो आपको बहुत सारी जो प्रक्रिया है वो अपने आप ही पता चल जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत जल्द ही हम आपके लिए और बहुत सारी वीडियोज लेकर के आ रहे हैं जो कि आपके मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और जो लोग शौकिया रूप से करते हैं उनको भी मदद मिलेगी मधुमक्खियों को अच्छे तरीके से समझने में और उसके कार्यप्रणाली को समझने में, और धीरे धीरे आप सब इसमें ग्रो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।